मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और हर पार्टी कोशिश यही कर रही है कि मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज हो जाए। हम आप पार्टी के साथ हैं अभी और हमारे साथ प्रवक्ता है रमाकांत पटेल जी। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में आप अपनी जगह बना पाएगी, आम जनता की जो समस्या है वो आप समझ पाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी आम जनता की समस्याओं को समझती है और उन पर काम करती है। आप देखेंगे कि हमने दिल्ली में जो मॉडल दिया है, चाहे महंगाई से राहत देने के लिए निःशुल्क बिजली देने का काम किया है, चाहे पानी देने का, माताओं बहनों के लिए बसों की यात्राएं निःशुल्क करने का काम हमने दिल्ली में करके दिखाया है। हमने अच्छे स्कूल बनाने का काम, लोगों को अच्छी शिक्षा देने का, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने का काम हमने दिल्ली में किया है और यही मॉडल सेम टू सेम हम पंजाब में लागू किए हैं। पिछले वर्ष हमारी सरकार बनी थी और सरकार बनने के बाद जो हमने पंजाब में काम करने का वादा किया था, उस काम करने की दिशा में हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 90% हमारे वादे वहाँ पर पूरे हो चुके हैं। ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई सरकार अगर कुछ वादा करे तो उसको तय समय में कर दे या चुनाव के परिणाम के तत्काल बाद कर दे। ये उदाहरण है कि चुनाव के बाद 3 महीने के भीतर हमने पंजाब के लोगों की बिजली निःशुल्क करने का काम किया है। 90% घरों को पंजाब में निःशुल्क बिजली मिलती है, 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। हमने पंजाब में एक साल के भीतर 36,000 से ज़्यादा युवाओं को नौकरी देने का काम किया, सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, संविदा नहीं और ठेका प्रथा नहीं। हमने अनियमित जितने कर्मचारी थे उनको पक्का करने का काम किया। पहली बार सरकार बनी पंजाब में और उसी समय ओले गिरे, किसानों की फसलें खराब हुई। फसल खराब होने पे देश भर में तो कहीं कोई मुआवजा नहीं मिलता है, कहीं फसल बीमा का पैसा नहीं मिलता है, लेकिन पंजाब में हमने किसानों की फसल खराब होने पे 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फसल का नुकसान दिया है, वो भी 10 दिन के भीतर। तो आम आदमी पार्टी को जनता पसंद करती है। मध्य प्रदेश के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से समझती है और इसको समझते हुए केजरीवाल जी की 10 गारंटियों को अभी तक हमने यहाँ पे जनता के बीच में पहुँचाया है। कांग्रेस का वचन पत्र आ चुका है, बहुत सारी वचन कमलनाथ जी ने दिए हैं, महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, रोजगार को लेकर, तमाम तरह के जो वचन है। क्या लगता है कि बीजेपी कांग्रेस जनता को लुभा तो नहीं लेगी ये सब वचन से? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता दोनों पार्टियों को बार बार मौका दे चुकी है। आज़ादी के बाद से इन दोनों पार्टियों की सरकारें बार बार रही हैं, लंबे समय तक दोनों को वक्त मिला है और अगर इन्होंने अपने संकल्प पत्र या वचन पत्र में कुछ काम किया होता तो आज मध्य प्रदेश के लोग आत्महत्या नहीं कर रहे होते बेरोजगारी से परेशान होकर के। आज मध्य प्रदेश के किसान आत्महत्या नहीं कर रहे होते कि उनको फसलों का दाम नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रही है, उनको बिजली नहीं मिल रही है। तो मैं जहां तक समझता हूं, ये इनके वचन या इनके संकल्प पत्र सिर्फ चुनावी वादे हैं, चुनावी घोषणाएँ हैं, चुनाव में प्रचार के लिए एक वस्तु है और चुनाव खत्म होते ही इनके संकल्प पत्र और वचन पत्र कचरे के डिब्बे में चले जाएंगे। ये लोग फिर उसी लूट की दिशा में आगे बढ़ेंगे जैसा अभी तक ये करते आए हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी हमेशा युवाओं को बहुत तवज्जो दे के चली है। कहा जाता है बड़े पढ़े लिखे हैं पार्टी में लोग, बड़े एजुकेटेड लोग हैं। अगर मध्य प्रदेश में आप आती है तो युवाओं के लिए क्या सोच रखा है आप पार्टी? देखिए, युवाओं को तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उनको रोज़गार मिले और रोज़गार के लिए हमने अरविंद केजरीवाल जी की एक गारंटी दी है कि जब तक रोज़गार नहीं तब तक 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, 10 लाख युवाओं को हम 5 साल में रोज़गार देने की बात कर रहे हैं और देंगे। बीजेपी भी सीखो कमाओ कर रही है। मैं देख रहा था बीजेपी की सीखो कमाओ का, कोई बोल रहा है कि जूता सिलने का काम सिखा रहे हैं, कोई बोल रहा है कि चप्पल ठीक करने का, पंचर बनाने का काम सिखा रहे हैं, साइकिल सुधारने का काम सिखा रहे हैं। तो ये कौन सी सीखो कमाओ योजना है? ये इन्होंने देखिए 18-19 सालों में कोई एक काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। अब चुनाव के वक्त ये कुछ भी कहेंगे कि हमने ये किया है, वो किया है, कुछ किया नहीं है। जनता इनकी नब्ज टटोल चुकी है, जनता जानती है कि इनके अंदर केवल लूट इनकी मंशा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी के वादों पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली है। अच्छा, बीजेपी महिलाओं को लाडली बहना दे रही है, कांग्रेस भी बोल रही है कि महिला सम्मान देंगे 1500 रुपये, आप क्या बोलती हैं? देखिए, हमने तो करके दिखलाया है और जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया आपको, हम केवल चुनाव को देखते हुए नहीं करते। हमारी सरकार पंजाब में बनी
और सरकार बनने के बाद हमने तत्काल काम करके दिखलाया, हमने बिजली निःशुल्क करने का काम किया, हमने चालू किया था 1,000 रुपया, यदि एक घर में 4 महिलाएं हैं तो चारों के खाते में 1,000 रुपये आएगा, यदि कोई ऐसी महिला है जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन के अलावा 1,000 रुपये मिलेगा। ये हमने पंजाब में चालू किया है, हमने दिल्ली में माताओं बहनों के लिए महिलाओं के लिए बसों की यात्रा निःशुल्क करने का काम किया है। तो जिसकी मनसा होती है वो तो स्टार्टिंग से करता है, अगर इनकी मनसा होती तो ये कांग्रेस पार्टी की सरकार बड़े लंबे समय तक रही है मध्य प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18-19 साल से मध्य प्रदेश के अंदर है, ये तभी कर देते। हमने तो जब सरकार बनाया तब से स्टार्ट किया, पंजाब में हो या दिल्ली में हो, ये दोनों में अंतर है। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी ये भी बोलती है कि अन्य पार्टी को वोट मत दो नहीं तो वोट तुम्हारा खराब। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, कमलनाथ जी का एक वोट एक ही वोट गिना जाएगा और एक झाड़ू लगाने वाले का भी एक वोट एक ही गिना जाएगा, तो ये ऐसा कहते रहते हैं, कहते रहें कोई बात नहीं। आम आदमी पार्टी मानती है कि एक एक वोट से लोगों की जिंदगी बदल सकती है, एक वोट से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है। तो मैं जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि सोच समझ के अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अपने अच्छे इलाज की व्यवस्था के लिए, अपने फसलों के अच्छे दाम के लिए इस बार मन बना लें कि आम आदमी पार्टी को वोट दें और झाड़ू का बटन दबाएँ। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक तो किसानों का मुद्दा, किसानों की बिजली का मुद्दा, कर्ज माफ़ी का मुद्दा हमेशा से रहा है, आप पार्टी क्या सोची, क्या रणनीति बनाया है उन्होंने? देखिए, किसानों के लिए अभी हमने जो गारंटी दी है, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि किसानों को उनकी फसलों का पूरा दाम दिया जाएगा। अभी मैं सुन रहा था कि शिवराज जी कह रहे थे कि हम इतना बोनस बढ़ा देंगे, उतना बोनस बढ़ा देंगे, फसलों का दाम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आपने तो ये कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, दोगुनी आय तो नहीं हुई, लागत जरूर दोगुनी से ज़्यादा हो गई है। तो आम आदमी पार्टी किसानों को उनकी फसलों का सही दाम भी देगी, किसानों को पर्याप्त बिजली देगी, 24 घंटे बिजली हम पंजाब में देना चालू कर दिए हैं, यहाँ भी देंगे बिजली, किसानों को सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था जहाँ जहाँ करने की ज़रूरत पड़ेगी हम वो करेंगे, फसल ख़राब होने पे पंजाब की तरह 15,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा 10 दिन के भीतर उनके खाते में देंगे। मध्य प्रदेश में 7 विधानसभा, भोपाल में 7 विधानसभा हैं, सातों विधानसभा सहित मध्य प्रदेश में इस बार आप पार्टी का क्या पोजीशन रहेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, लोग, मैं जहाँ तक समझता हूँ, जैसा मैंने पहले भी बतलाया कि लोग अपने उज्जवल भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए आम आदमी पार्टी को जिताने वाले हैं। लोग कितना जिताते हैं, कितनी सीटें देते हैं, तो ये तो लोग ही तय करेंगे। आम आदमी पार्टी ने अभी भोपाल में 4 सीटों पे अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं, पूरे मध्य प्रदेश में हमने अभी 39 सीट पे अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं, जल्द ही हमारी आगे की भी सूचियाँ आएंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी जो वादा करती है उसको पूरा करती है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ये थे मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। कैमरा पर्सन विनय नागमल के साथ कीर्ति मिश्रा, EMT न्यूज़ भोपाल से।